काशीपुरा गांव एक बेहद पिछड़ा हुआ गांव था। यहां की आधी से ज्यादा जमीन जमींदार ने हड़प ली थी। ओ दादी अम्मा, क्यों फिजूल में मुझसे उलझने की सोच रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन की सही कीमत दूंगा। बेटा, ये जमीन ही हमारे खानदान की आखिरी निशानी है, ये कैसे तुम्हें दे दूं? ये जमीन ही इस बच्चे का मुस्तकबिल है। ये बच्चा बचेगा ही नहीं, तो इसके मुस्तकबिल की फिक्र क्यों कर रही हो? ऐसा मत कहो, ये मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है, मैं इसके सहारे ही तो अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। दादी अम्मा, बेहतरी इसी में है कि तुम राजी खुशी अपनी जमीन मुझे दे दो, और फिर तुम्हारा पोता भी बगैर किसी तकलीफ के जी सकेगा। सोच लो, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा। ज़ईफ़ा दादी अम्मा को इंतबाह कर जमींदार वहाँ से चला गया और फिर मोहन दादी से पूछने लगा। दादी अम्मा, ये जमींदार बार बार हमारी जमीन मांगने क्यों चला आता है? क्योंकि अब उसकी नजर हमारी अबाई जमीन पर है। लेकिन हमने उसे कह तो दिया है कि हमें जमीन नहीं बेचनी, तो फिर भी वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि वो जमींदार है और वो बहुत ही जालिम है। उसने कई सारी जमीनें जोर जबरदस्ती से हड़प ली। कोई भी राजी खुशी अपनी जमीन नहीं बेचता मोहन। तो हम इसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करते? अगर हम शिकायत करेंगे तो हमारी ही मुसीबत बढ़ जाएगी। इस जमींदार का कुछ नहीं होगा, इसके पास बहुत पैसे हैं, जिससे ये हुकूमत को अपनी जानिब घुमा लेगा। तो और कोई रास्ता नहीं है क्या? अब एक ही रास्ता है कि हम जल्द से जल्द जमींदार से लिया हुआ कर्ज लौटा दें, और उसी के लिए तो मैं दिन रात काम कर रही हूँ। दादी अम्मा, अब से मैं भी आपकी मदद करूँगा और हम दोनों मिलकर जमींदार को उसके पैसे लौटा देंगे। फिर हमारी आबाई जमीन वो कभी हड़प नहीं पाएगा। यकीनन। अगले रोज से मोहन अपनी दादी अम्मा के साथ जंगल जाने लगा। दादी अम्मा जंगल में सूखी टहनियाँ जमा करती और जड़ी बूटियाँ भी इकट्ठा किया करती। मोहन, ये देखो, ये बहुत ही नायाब जड़ी बूटी है, ये बाजार में बहुत अच्छी कीमत में फरोख्त होती है, तुम्हें रोज यही सब ढूंढना है। ठीक है दादी अम्मा, मैं ये कर लूंगा। दादी अम्मा और मोहन सूखी टहनियाँ और जड़ी बूटियाँ जमा कर वापस अपने घर लौटे। दादी अम्मा ने सब कुछ कारोबारी को दे दिया। क्या बात है दादी अम्मा, आज आप ज्यादा जड़ी बूटियाँ लाई हैं? हाँ, आज मेरा पोता मेरे साथ जो गया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये लीजिए आपके 60 रुपए। 60 रुपए देखकर दादी बेहद खुश थी। देखो मोहन, हमेशा मैं 30 रुपए कमाती थी, आज 60 रुपए मिले हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जमींदार का कर्ज यूं अदा हो जाएगा। यकीनन दादी। मोहन बेहद खुश था कि वो दादी अम्मा की मदद कर पाया था। अब से अक्सर दोनों साथ में जंगल जाया करते थे और दादी मोहन को जंगल के अफसाने भी सुनाया करती थी। मोहन, सुना है इस जंगल में परियों की दुनिया है, जहाँ कोई परी रहती है। हकीकत में दादी अम्मा? लोग कहते तो हैं, और ये भी कहते हैं कि वो परी सारी मुसीबतें दूर कर सकती है। वाह, वो देखो चक्रफूल, ये जड़ी बूटी इसी जंगल में मिलती है, कारोबारी इस जड़ी बूटी की अच्छी कीमत देता है। वहाँ तो बहुत सारी हैं। दादी और मोहन को ढेर सारी जड़ी बूटियाँ मिल गई। अरे बाप रे, आज तो मेरा झोला जड़ी बूटियों से भर गया और मेरी गठरी सूखी टहनियों से। चलो अब घर चलते हैं। रोज की तरह दोनों घर लौटे और कारोबारी ने जड़ी बूटियों की अच्छी कीमत दी। दादी अम्मा बेहद खुश थी। कुछ देर बाद जमींदार वहाँ आया। क्या सोचा है दादी अम्मा? बेटा, मैं तुम्हें अपनी आबाई जमीन तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारा कर्ज यकीनन अदा कर सकती हूँ। ये लो 500 रुपए तुम्हारा ब्याज। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जमींदार ने पैसे लिए और मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। उसे इल्म था कि ज़ईफ़ा उसे जमीन सीधे तरीके से नहीं देगी, और उसके बेगैरत जहन में एक खुराफाती मंसूबा भी तैयार हो गया। उसने अपने मुलाजिमों को बुढ़िया के पीछे लगा दिया। अगले रोज जब दादी अम्मा मोहन के साथ जंगल गई, तो जमींदार के मुलाजिम
छुपकर उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने दादी अम्मा को धक्का दे दिया। बचाओ, बचाओ! मोहन दौड़ता हुआ दादी को बचाने गया, लेकिन तब तक दादी को काफी चोट आ गई थी। वो जैसे तैसे दादी अम्मा को वापस घर लाया। हकीम ने दादी अम्मा की मरहम पट्टी की। अब कम से कम एक माह के लिए आपको बिस्तर से उठना नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है? मुझे जमींदार का कर्ज अदा करना है, ऊपर से मोहन का ख्याल भी रखना है। आप फिक्र मत कीजिए दादी अम्मा, मैं हूँ ना, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा। आपका ख्याल भी रखूंगा और जंगल से जड़ी बूटियाँ भी लाऊंगा। लेकिन तुम जंगल तन्हा कैसे जाओगे? दादी अम्मा, आपने जैसे मुझे सिखाया है मैं वैसे ही जाऊंगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बस आराम फरमाइए और जल्दी सेहत याब हो जाइए। दादी के बीमार होने की खबर जमींदार के पास पहुंची और वो खुश हो गया। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन उसे कहां खबर थी कि मोहन दादी अम्मा की मदद करेगा। मोहन तन्हा जंगल में जाकर जड़ी बूटियां जमा करने लगा। जड़ी बूटियों को बेचकर जो पैसे मिले वो दादी अम्मा ने जमींदार को दिए। ये देखकर जमींदार गुस्से से पागल हो गया। उसने फिर से अपने मुलाजिम को हुक्म दिया। अगले रोज जब मोहन जंगल पहुंचा, तो कुछ नकाब पोश आदमियों ने उसे घेर लिया। उन आदमियों के पास लाठियां थी। ये देखकर मोहन डर गया। कौन है आप लोग और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुझे सबक सिखाना है। लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तुझे खुद समझ में आ जाएगा। तीनों आदमियों ने मोहन पर लाठी से हमला किया। मोहन किसी भी तरह उनसे बचने की कोशिश करने लगा और फिर वो अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। वो भागते भागते किसी गड्ढे में जाकर गिर गया। कहाँ है वो? यही कहीं होगा, ढूंढो। जमींदार के मुलाजिम मोहन को ढूंढते रहे, लेकिन वो उन्हें मिला नहीं। मोहन उस गड्ढे से दूसरी दुनिया में दाखिल हो चुका था। यहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग था। उड़ने वाली मछलियाँ, बोलने वाले फूल। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। परियों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। परियों की दुनिया? और तभी उसके रूबरू एक परी हाजिर हुई। हाँ मोहन, ये परियों की दुनिया है। यहाँ के हर चीज में जादू है। लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? जंगल के खुफिया रास्ते से। तुम जमींदार के मुलाजिमों से भाग रहे थे। क्या वो जमींदार के मुलाजिम थे? लेकिन जमींदार मुझे क्यों मारना चाहता है? तुम्हारी आबाई जमीन के लिए। उसने तुम्हारी ज़ईफ़ा दादी का ये हश्र किया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेशक मत छोड़ना, और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और मोहन को एक जादुई पत्थर दिया। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसकी ताकत को तुम उस जमींदार को उसके करतूतों की सजा देना। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी ने फिर से छड़ी घुमाई और मोहन वापस जंगल में जमींदार के मुलाजिमों के दरमियान हाजिर हो गया। जमींदार के मुलाजिम मोहन को लाठी से मार रहे थे, लेकिन मोहन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मोहन ने एक लाठी पकड़ ली और उसे बड़ी आसानी से तोड़ दिया। ये क्या, मुझे मारना चाहते हो ना? मोहन ने जमींदार के मुलाजिमों की अच्छे से पिटाई की। सब के सब जख्मी हो गए। फिर मोहन ने उन सबको अपने कंधों पर उठाया और जमींदार के घर गया। ये लो अपने शागिर्दों को, अगली बार इन्हें कायदे से खिला पिला कर भेजना। तेरी इतनी जरूरत? जमींदार ने अपने दूसरे मुलाजिमों को हमला करने का इशारा किया। मोहन ने एक एक करके सबको पटक दिया। मोहन की ताकत देखकर जमींदार थर थर कांप रहा था। फिर मोहन जमींदार के पास गया। आज के बाद अगर तूने किसी भी गांव वाले की जमीन हड़पने की कोशिश की तो वो तेरा आखिरी दिन होगा। जमींदार ने हाँ में सिर हिलाया और मोहन वहाँ से चला गया। दादी अम्मा, अब से वो जमींदार किसी को भी परेशान नहीं करेगा। वो कैसे? मोहन ने दादी अम्मा को पूरा किस्सा बयां किया।
दादी ने ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़े और उनका शुक्रिया अदा किया और फिर वो पत्थर मोहन के हाथ से अपने आप गायब हो गया। परी का जादू खत्म हुआ।